हाय गाइस, कैसे हो आप? तो आज हम लोग बना रहे हैं चना मसाला। और चना को मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था पानी में भिगो के। और ये देखिए, चने हमारे अच्छी तरीके से हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, फूल गए हैं। और हमने लेने हैं 2 गिलास पानी के, और 1 टीस्पून लिया है नमक, 1 टीस्पून लिया है साबुत, और 1 टीस्पून लिया है जीरा, 1 टीस्पून लिया है रेड मिर्च, और 1/2 टीस्पून लिया हल्दी, और लिया है 1/2 टीस्पून हम डालेंगे नेशनल पंजाबी चना मसाला। तो ये आप देख लें, ये इसका 1 टीस्पून डालेंगे या 2 टीस्पून डालेंगे। और 1/2 कप जाएगा ऑयल का। और मैंने लिया है गार्लिक और जिंजर का, मैंने पेस्ट बना लिया है। जिंजर का मैंने 1 टीस्पून लिया है और साथ गार्लिक लिया है। उसके बाद मैंने लिए हैं 2 फ्रोजन टमाटर, और उसके बाद ली है 1 टीस्पून मैंने चिली ली है। और इसके बाद हम लोगों ने लिया है 1 मीडियम प्याज, और प्याज को हम लोगों ने इस तरह का लंबा लंबा काट लेना है। तो जी, सबसे पहले हम लोगों ने एक प्रेशर कुकर ले लेना है, और उसमें हम लोगों ने चने डाल देने हैं। तो ये चने को मैंने पूरी रात के लिए रखा हुआ था, और ये देखिए ये फूल गए हैं। और सबसे पहले हम लोगों ने चने डाल दिए हैं, और इसके बाद हम लोगों ने डाल देना है इसमें प्याज, और इसके बाद इसमें हम लोगों ने डाल देना है जिंजर का पेस्ट, और इसके बाद हम लोगों ने डाल देना है गार्लिक, और इसके बाद हम लोगों ने डाल देने हैं 2 फ्रोजन टमाटर, और 1/2 टीस्पून हम लोगों ने डाल देनी है इसमें रेड चिली, सॉरी ग्रीन चिली। और ये जो स्पाइसेस मैं आपको अगेन बता चुकी हूँ, ये सारे इसमें डाल देने हैं। और इसमें जाएगा 2 गिलास पानी के इसमें जाएंगे, और 2 गिलास पानी के डाल के, और इसको हम लोगों ने प्रेशर लगा लेना है 15 मिनट के लिए। और ये देखिए, इसको एक दफ़ा हिला लें और इसको प्रेशर लगा लें आप लोग। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और ये देखें, अब हम लोगों ने प्रेशर लगा लेना है, और प्रेशर लगा दिया है, और मैंने फ्लेम ऑन कर ली है, और हम लोगों ने फ्लेम ऑन करके ऊपर प्रेशर रख देना है। तकरीबन ये 15 मिनट में ये कुक हो जाएंगे चने। तो जी, ये हमारे चने कुक हो रहे हैं, और 15 मिनट में रेडी हो जाएंगे। 15 मिनट में रेडी होने के बाद अब हम लोगों ने इसका प्रेशर ओपन किया है। तो ये देखिए, इसका जो पानी था वो ड्राई हो गया है, और ये देखें, और हमारे जो चने हैं वो भी अच्छी तरीके से गल गए हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्म थे और तोड़े नहीं थे जा रहे। और अब हम लोगों ने इसमें डाल देना है ऑयल। ऑयल डाल के इसको हम लोगों ने 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। मैंने डाला है 1 चम्मच खाने वाला, बड़े वाला, और इसको अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। हम लोगों ने तब तक इसको कुक करना है जब तक इसका जो ऑयल है वो अलग-अलग ना हो जाए, और जो चने हमारे वो अच्छी तरह से ब्रो ना हो जाए, गल ना जाए। और इसके बाद हम डाल देंगे 2 टीस्पून हम लोग डाल देंगे नेशनल का चना मसाला। ये डालने से जो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है, और खाने में भी बहुत मज़े का है। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह डाल के बनाइएगा, और नीचे मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने ट्राई किए हैं, और आप लोगों के जो चने हैं वो कैसे बने हैं। तो जी, इसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से कुक कर लेना है। और हम लोगों ने इसको कुक करने के बाद इसी तरह के हम लोगों ने रखने हैं मसाले वाले। और कुक करने के बाद मैं इसको डिश आउट करके बताती हूँ। तो जी, हम लोगों ने यहाँ पे डिश आउट कर दिया है, और इसमें डाल देना है हम लोगों ने 1/2 टीस्पून हमने डाला है गरम मसाला, और इसके बाद हम लोग डाल देंगे इसमें फ्रेश कोरिएंडर, और इसमें ये हमने डाल दी है फ्रेश कोरिएंडर। और ये देखें, ये चना मसाला है, ये बिल्कुल खुश्क है, शोरबे वाले नहीं है, ये मसाले वाले हैं। आप लोग इसे रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा,
ओके बाय एंड टेक केयर।